सब यू ब्यूटीफुल पीपल, होप यू आर फाइन। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम यही यच क्वाड बिल्ड करेंगे। एक्चुअली आप इसे दानव यच क्वाड भी कह सकते हो। ये बनाने में बहुत ही इजी है, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेगा ही। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दो यार, मतलब कर ही दो, पैसे नहीं लेकिन खुशी ज़रूर मिलती है। उसके बाद में आप जो है सब्सक्राइब भी कर दें और जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दो, ताकि फ्यूचर में ड्रोन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको ज़रूरत होगी ये जो उड़न के स्ट्रिप्स है उनकी, चाहो तो आप एल्यूमिनियम के जो पाइप्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। अभी मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं था इसलिए मुझे ये यूज़ करना पड़ा। इसकी जो साइज़ है वो 33 इंचेस है। उसके बाद में गाइस आपको ज़रूरत होगी 20 इंचेस के एक एल्यूमिनियम पाइप की। उसके बाद में गाइस हमारा जो एल्यूमिनियम पाइप है उसको आपको एग्जैक्ट सेंटर मार्क कर लेना है। उसके बाद में गाइस हमने यहाँ पे 3x5 इंचेस बाय 9 इंचेस का एक प्लेट कट कर ली है। ये जो मेन प्लेट है गाइस उसको जो एल्यूमिनियम का पाइप है उसके ऊपर एग्जैक्ट सेंटर में आपको 2 होल ड्रिल कर लेने हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे हमने 4x4 इंचेस के 2 प्लेट्स कट कर लिए हैं। जो हमारे जो 4x4 इंचेस के जो प्लेट है गाइस उसको आपको हर एक साइड में 1-1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के आपको 2 होल ड्रिल कर लेने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस जो मेन प्लेट है इसके ऊपर हमने होल ड्रिल कर लिए और जो 4x4 के जो हमारे प्लेट्स है उसके ऊपर भी एग्जैक्ट सेम होल ड्रिल कर लिए हैं। उसके बाद में गाइस हमारी जो मेन प्लेट है उसको आपका जो हमारा मेन रॉड है एल्यूमिनियम का पाइप है उसके ऊपर हमें फिक्स कर लेना है। उसके बाद में गाइस हमें ज़रूरत होगी 4 इंचेस के एक पाइप्स की, जो कि आपको एल्यूमिनियम के ही यूज़ करने, आप 4 कट कर लेने हैं गाइस आपको। उसके बाद में आप देख सकते हो 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के हमें 2 होल ड्रिल कर लेने हैं। सेम आपको जो अदर 3 है उसके ऊपर भी आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे गाइस हमने होल ड्रिल कर लिए हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद में गाइस हमें मोटर माउंट के लिए बहुत ही एक इजी मेथड होता है गाइस, जो अंदर की साइड का जो आपका मोटर माउंट है इसके मार्किंग्स आपको ले लेनी है और उसके बाद में जो मेन जो बड़ा वाला होल है उसके भी मार्क कर लेना है और उसके बाद में आपको जो होल्स है वो ड्रिल कर लेने हैं। हमने यहाँ पे ऊपर के साइड में 2 छोटे होल ड्रिल कर लिए और उसके बाद में नीचे के साइड में 2 बड़े होल ड्रिल करने हैं ताकि आप नट बोल्ट्स इजीली फिक्स कर सको। तो ये है गाइस हमारा मेन प्लेट। वीडियो बनाने के चक्कर में ये होल थोड़े टेढ़े हो गए। उसके बाद में गाइस आपको क्या करना है, जो हमारे दोनों साइड में आपको वापस से 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के 2 होल ड्रिल कर लेने हैं दोनों साइड में। उसके बाद में गाइस जो हमारी उड़न की स्ट्रिप्स थी उनके भी एग्जैक्ट सेंटर में आपको 2 होल ड्रिल कर लेने हैं, जैसे कि हमने जो एल्यूमिनियम का रॉड है उसमें किए थे। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस आपको जो होल हमने ड्रिल कर लिए थे वो एग्जैक्ट मैच करने आपको करके आपको जो है स्क्रू लगा देने हैं और यहाँ पे आपका फ्रेम रेडी हो गया। बस और ज़्यादा कुछ करना है ही नहीं, मतलब कुछ करना ही नहीं है गाइस, इतना ईजी है। उसके बाद में गाइस हमने जो मोटर माउंट जो कट किए थे वो आपको उड़न के ऊपर लगा देने हैं, चाहे तो आप अंदर के साइड में लगा सकते हो या ऊपर के साइड में लगा सकते हो। बाद में मैंने ऊपर के साइड में फिक्स कर लिए थे, आपके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस हमने लगा दी है गाइस, जिसकी साइज़ इतनी बड़ी है पूरे टेबल के ऊपर आ भी नहीं रहा है।
उसके बाद में हमने जितने भी पार्ट्स कट किए थे, जितने भी कलाकारी हमने दिखाई थी, उसको जस्ट आपको स्प्रे पेंट से प्रे कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को कलर कर दिया है। आप देख सकते हो अभी ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा, थोड़ा सा तो अच्छा दिख ही रहा है। उसके बाद में जैसे आपको, आप अगर नट बोल्ट यहाँ पे लगाओगे, ये आपका फ्रेम रेडी हो गया। उसके बाद में गाइस, अगर आप एवियोनिक्स में देखें तो हम यूज़ करने वाले हैं 5010 जो डिस्क ब्रशलेस मोटर है, ये डिस्क ब्रशलेस मोटर यूज़ करने वाले हैं गाइस। इसका थ्रस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, आप वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने इस मोटर से रिलेटेड A to Z बात बताई है, इसका आपको क्या कितनी पावर देनी है, कितना थ्रस्ट है, ESCs वगैरह सबके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन बनाई है। उसके बाद में प्रोपेलर में हम यूज़ करने वाले हैं 1555 का कार्बन फाइबर का प्रोपेलर। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखे तो आप वो देख सकते हो। ESC की बात करें तो ESC में हम यूज करने वाले 40 एम्पेयर का रेडी टू स्काई ESC। ये गाइस एक ओप्टो ESC है। थ्री सेल से लेकर 6 सेल तक का लिथियम पॉलीमर बैटरी सपोर्ट करता है। फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड्स में हम यूज करने वाला है पिक्सॉक, ऑब्वियसली पिक्सॉक 2.4.8 ऑटो पायलट हम यूज़ करने वाले हैं गाइस। बहुत ही अच्छा फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, बहुत सारे बनाए के रखे हैं गाइस, आप वो देख सकते हो, आपको इस फ्लाइट कंट्रोल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद में हम यूज़ करने वाले हैं गाइस एक PDB बोर्ड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये कुछ आपको ऑक्टोपस की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं गाइस। बेसिकली इसका काम एक ही होता है, बैटरी से पावर लेके ESCs में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। बट यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक यहाँ पे एडजस्ट किया है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज़ किए। इसका पीछे का रीज़न ये है गाइस, हमारा एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है वो 100 एम्पेयर का होता है। उसके बाद में अगर आप ESC की बात करें तो एक ESC हो जाता है आपका 40 एम्पियर का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 4 ESC हो गए 160 एम्पियर के, और हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तो बस 100 एम्प्स का ही है, तो काम नहीं चलेगा। इसलिए गाइज मैंने 2 पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज़ किए। चाहे तो आप 3 भी यूज़ कर सकते हो, बट मे बी अगर मैं फ्यूचर में एग्जाकॉप्टर बनाऊंगा तो मुझे 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए गाइज मैंने 3 इस्तेमाल किए। चाहे तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हो। बस गाइज इतना सही है, ज़्यादा कुछ इसमें मतलब एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। बस आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का काम एक ही है कि बैटरी से पावर लेके चारों ESCs को पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, इसलिए हम इसे PDB कहते हैं। उसके बाद में जो हमारी मेन प्लेट है, सेंटर प्लेट है, उसके ऊपर हमें हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा देना है। उसके बाद में गाइस हमने जो होल ड्रिल किए थे उसके ऊपर आपको नट बोल्ट्स लगा देने हैं, और जो हमारी जो 4x4 इंचेस के हमने जो प्लाईवुड कट किया था वो आपको गैप रख के लगा देना है। तो यहाँ पे हमने जितने भी हमारे 4x4 के प्लाईवुड्स कट किए थे वो हमने लगा दिए। आप देख सकते हो गाइस, जो सेंटर वाला जो है इसके ऊपर हम हमारा फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड माउंट करेंगे, और जो टॉप है उसके ऊपर हमारी बैटरी माउंट करेंगे। उसके ऊपर हमें हमारे जो मोटर से वो फिट कर देने हैं गाइस। एक्चुअली साइज़ इसकी इतनी बड़ी है, पूरे एवियोनिक्स में दिखा भी नहीं पा रहा फिट करते वक्त। उसके बाद में गाइस जो मोटर के वायर से वो आपको ESC के आउटपुट में लगा देने हैं। बहुत ही इजी कनेक्शन होता है गाइस, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसके ऊपर आप वायरिंग बहुत ईजी तरीके से देख सकते हो। अगर आप रेगुलर वॉचर है तो आपको ये कुछ देखने की ज़रूरत है भी नहीं, आपको ये पता चल चुका होगा अभी तक। उसके बाद में ESC जो पावर है वो हमें पावर के जो वायर से वो कनेक्ट कर देने हैं, PDB से जो वायर हमने दिए थे वो कनेक्ट कर लेने हैं, दैट्स इट। उसके बाद में फ़िलहाल के लिए हमें जो टॉप प्लेट है वो रिमूव कर देनी है, क्योंकि हमें हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है वो लगाना है।
यह है गाइस सेंटर प्लेट, उसके ऊपर हमें हमारा फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड एग्जैक्ट सेंटर में लगाना है। फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड का जो वायरिंग है गाइस, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, जिसमें मैंने फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड का पिक्सॉ का ए टू जेड डिटेल में वीडियो दिखाया था आपको, डिटेल में वीडियो बनाया जिसमें वायरिंग जो है पूरी दिखाई है गाइस ए टू जेड, नियर अबाउट 20 मिनट्स का वो वीडियो है गाइस, आप वो देख सकते हो। वो अगर आप वीडियो देख लिया तो आपको पिक्सॉ के बारे में, वायरिंग के बारे में आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसके बाद में गाइस जो हमारे ESC के पिन है वो हमें लगा देने, ESC जो है हमें फर्स्ट में लगा देना है। उसके बाद में सेकेंड ESC, थर्ड ESC और सबसे लास्ट में जो फोर्थ ESC है उसकी वायर आपको लगा देनी है। उससे बाद में गए समय जो हमारा सेफ्टी स्विच है वो लगा देना है। सेफ्टी स्विच जब तक आप प्रेस नहीं करोगे तब तक आपका फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड आर्म नहीं होगा। उसके बाद में गाइस आप यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का पिन जो है, पावर पिन, वो हमें पावर में लगा देना है। गाइस पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का काम एक ही है कि फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड को पावर देना। इस केस में हम यूज़ कर रहे हैं ओप्टो ESC, तो हमें फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड में हमें पावर नहीं मिलेगी थ्रू द ESC, तो हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना मस्ट है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा ESC अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लैंडिंग गियर होते हैं उसका मैंने बेसिकली स्टैंड बना लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे पास फिलहाल स्टैंड अवेलेबल नहीं था। उसके बाद में गाइस ESC की पिन हमें लगा देनी है। आप देख सकते हो ESC में दो पिन होती है, जो छोटी वाली पिन है, एकदम इजी तरीके से मैं अगर समझाऊं, जो छोटी वाली पिन होती है वो होती है पावर पिन, जो कि आपको I2C में लगा देनी है, और दूसरी वाली जो बड़ी वाली पिन है गाइस वो GPS की होती है, वो आपको GPS में लगा देनी है। दैट्स इट। उसके बाद में हम रिसीवर बना वगैरह के बेसिक से कनेक्शन कर लेंगे और आपका जो ड्रोन है वो फ्लाई करने के लिए रेडी है। गाइस प्रोग्रामिंग की बात कर लो, गाइस ड्रोन इतना बड़ा है, प्रोग्रामिंग की डिटेल में वीडियो में नहीं दिखा सकता, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है प्रोग्रामिंग तो नेक्स्ट वीडियो में, जो छोटा वाला हम जब क्वाड बनाएंगे उसमें मैं आपको प्रोग्रामिंग दिखा दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।